हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाल बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी खबर गुड़ को आपण मैंने जानवा निहाती दरकार। तेब आसतु जाने कौन से ही गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेब तापूर्वर आपंक अनुरोध अटे जदि आपंक भिडियोटी भल लगे आपड़ लाइक करने सहित भिडियो को अधिक रू अधिक सेयार करेंगे। या सहित यह लाटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेब आसतु आरंभ कर आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबर हो डिसेंबर मास पई गाइडलाइन जारी कले केंद्र सरकार। शीत दिन में कोरोना व्यापार संभावना अधिक रही एने केंद्र सरकार राज्य और केन्द्रशासित अंचल को सतर्क कराई एवं डिसेंबर मास पई गाइडलाइन जारी करोथे। गृह मंत्रालय कही कंटेनमेंट जोन आक्रांत कहा सहित जोजोग रही है गुरुत्व देवा। डिसेंबर एक तारिख रु समस्त दिग्वे कड़ा नजर रखा केन्द्र सरकार कहते देशर केतक राज्य में कोरोना दिनक दिन गंभीर होबार लगी। समय गृह मंत्रालय मॉनिटरिंग करने सहित सतर्कता निर्देशनामा जारी कर गाइडलाइन वर्ष शेष जाए बलवत्तर रहिबो। तबे आंतर्जातीय विमान चलाचल को अनुमति देछि गृह मंत्रालय। 50 जन दर्शक को नहीं चली पारिबो सिनेमा हॉल, थिएटर, क्रीडाविद स्विमिंग पूल खोला रखा अनुमति दि जाएगी। व्यावसायिक उद्देश्य से प्रदर्शनी हॉल खोला जाए अनुमति दि जाएगी। से हीपरि सामाजिक क्रीडा मनोरंजन शैक्षिक कार्य को शर्तमूलक अनुमति देछि केन्द्र सरकार। 50% दर्शक को नहीं सिनेमा हॉल खोलने अनुमति देछन्ति केन्द्र सरकार। तबे कोविड को रोकिबा जो सबू व्यवस्था सफल होती से सबू व्यवस्था अपणाइबा को केन्द्र कहिछि। जहाद्वारा आक्रांतों संख्या कमिबो नियम गुड़ी को सठिक भाव में पालन हो से दिगरे सुनिश्चित करा राज्य को कही केन्द्र। तबे नियम कड़ाकड़ी पालन पर सुनिश्चित करने को जिला प्रशासन पुलिस और पौरपालिका अधिकारी सरकार कहते स्थिति बेकाबू हेले राज्य मैंने स्थानीय प्रतिबंधक लगाई पारती गृह मंत्रालय कही। ते परवर्ती खबर टी आसिला बड़ खबर एणिक मेधावी छात्र छात्री को लैपटॉप बदल में मिली टंका। 15,000 छात्र छात्री पाइबे टंका। ओडिशा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बा सीएचएससी जुक्त दी पास कर 15,000 श्रेष्ठ मेधावी छात्र छात्री को विजु युव सशक्तिकरण योजना मिलूला लैपटॉप। तबे एणिकी लैपटॉप बदल में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर बा डीबीटी योजना छात्र छात्री अकाउंट में 30,000 टंका जमा हेबो। फल छात्र छात्री मैंने प्रत्यक्ष भाव में लाभवान हेबे। राज्य उच्चशिक्षा विभाग पक्ष 5G कार्यकारी करने को जाई एही अभिनव पदक्षेप नियाजाइछि। चलित मास 6 तारीख राज्य उच्चशिक्षा विभाग सचिव शाश्वती मिश्र अध्यक्षतार अनुषित बैठक में एभली निष्पत्ति नहीं वरिष्ठ अधिकारी सूचना देते। एपरिकी छात्र छात्री आकाउंट को किभ सुरखुरी टंका जापर से नहीं समस्त व्यवस्था करने को ओडिशा कंप्यूटर आप्लिकेशन सेन्टर बा ओका को निर्देश दि जाए। ते परवर्ती खबर टी लक्ष्मी विलास बैंक डीबीआईएल सहित मिश्रण को केन्द्र कैबिनेट मंजूरी। संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड बा डीबीआईएल रे मिश्रण को केंद्र कैबिनेट मंजूरी देती। बुधवार होता कैबिनेट बैठक में यह सहित एटीसी रे एफटीआई को मंजूरी मिली। तबे एने केन्द्रमंत्री प्रकाश जावेदकर सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते। तबे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक सहित मिश्रण पर निर्देश देती। या सहित एटीसी टेलिकम इंफ्रा 2,480 कोटी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कैबिनेट मंजूरी मिली। टाटा ग्रुप कंपनी एटीसी 12% शेयर एटीसी पैसिफिक एशिया नहीं। तबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसिता कैबिनेट बैठक में बहु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति जावेदकर कहते आज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बा एनआईआईएफ 6,000 कोटी टंका पूंजी निवेश निष्पत्ति जमापड़ी। तबे यह निवेश आगामी 2 वर्ष मध्यरे हेबो। तबे परवर्ती खबर टी होची गत 24 घंटा मध्यरे राज्य में पुणि 730 कोरोना आक्रांत चिन्हट 16 मृत। राज्य में गत 24 घंटा मध्य पुणि 730 कोरोना आक्रांत पजिट चिन्हट होती। से मध्य 419 जन संग्रोध केन्द्र चिन्हट होता बेले 311 जन स्थानीय संक्रमित चिन्हट होती। तेब एने राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी। नुआ आक्रांत मानक मिसाई राज्य समुदाय संक्रमित मानक संख्या 31,06,001 पहुंचुची। तबे एबे सुधा सुस्थ हो सारे 3,07,374 जन एवं भी सक्रिय रही 6,887 जन। तेब अंपक्ष राज्य में आहरी 16 जन कोरोना जनित मृत्यु घटी। तबे गत 24 घंटा मध्य अनुगुल जिले 44 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होता बेले बालेश्वर 35, बरगड़ 21, भद्रक 7, बलांगीर 40, बौद्ध 1, कटक 49, देवगढ़ 4, ढेंकानाल 7, गजपति 4, गंजाम 12, जगतसिंहपुर 24, जाजपुर 25, झारसुगुड़ा 25, कलाहांडी 33, कंधमाल 1, केन्द्रापड़ा 14, केन्दुझर 40, खोर्धा 65, कोरापुट 5, मालकानगिरि 3, मयूरभंज 68, नवरंगपुर 7, नयगढ़ 8, नुआपड़ा 46, पुरी 29, रायगढ़ 8, संबलपुर 9, सोनपुर 9, सुंदरगढ़ 57 और स्टेटपुर 12 जन आक्रांत चिन्हट होती। तो परवर्ती खबर टी होची प्रधानमंत्री को चिठी लिखिले मुख्यमंत्री। कोविड स्थितर 10म और युक्त 2 बोर्ड परीक्षा नहीं लिखिले चिठी।
दशम और द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा जातीय स्तर गाइडलाइन आणिबाकु दाबी करी प्रधानमंत्री को चिठी लिखिले मुख्यमंत्री। एहाद्वारा छात्र छात्री और अभिभावक मानकर मनरे परीक्षा नहीं रही द्वंद्व भी दूर हो पारिबो बोली चिठी उल्लेख रही। छात्र छात्री मानकर निरापत्ता राज्य में 17 मार्च ठार् स्कूल और कॉलेज बंद करे वर्तमान डिजिटल मोड में पिला शिक्षा दिया जाए किंतु ताहा बोर्ड परीक्षा जथेष्ट नुहे मुख्यमंत्री कहते ते वर्तमान परीक्षा हेबो कि ना से नहीं समस्त मनरे सन्देह सृष्टि होती। समस्त उच्चतर शिक्षा परस्पर सहित जड़ित रही बोर्ड परीक्षा निर्धारित समय सीमा भितर एक जातीय गाइडलाइन आसवा आवश्यक तेज उपयुक्त गाइडलाइन आसवा द्वारा राज्य मध्य परीक्षा निजस्व गाइडलाइन आनीपर चिठी में उल्लेख कर। तो परवर्त खबरटी हूँ नुआवर्षर कल करने बदली जाए यही सब बड़ नियम नुआवर्षर टेलीफोन में वार्तालाप सहित जड़ित एक प्रक्रिया बदलवाक जाए। जानुरी 1, 2021 सारा देश में लैंडलाइन मोबाइल फोन को कल करने ग्राहक को नंबर पूर्व 0 लगवा बाध्यतामूलक हो तेज टेलिकम मंत्रालय यह संपर्कित ट्राइर एक प्रस्ताव को ग्रहण कर। टेलिकम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बा ट्राई 28 May 2020 कॉल पर नंबर पूर्व 0 व्यवहार पर सुपारिश कर तेज यह टेलिकम सेवा प्रदानकारी को अधिक संख्या करने को अनुमति देव बोली ट्राई पक्ष तेज 20 November जारी कर एक सर्कुलर टेलिकम मंत्रालय कही लैंडलाइन मोबाइल नंबर को डायल कर पद्धति को बदल ट्राई सुपारिश को ग्रहण कर। तेज परवर्त खबर हो पंजाब सरकार को कोविड कटक 1 December पंजाब रात्रि कर्फ्यू नियम उल्लंघन कले 1000 जरिमाना। पंजाबर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्यर समस्त सहर ग्रामांचल रात्रिकालीन कर्फ्यू आदेश देते आदेश 1 December आरंभ हो सहित मुख्यमंत्री निर्देश देते कि COVID-19 नहीं सरकार जो कटक लागू करवमानना कले 1000 टंका पर्यटन जोरीमाना आदाय कर। 1 December ठार राज्यर समस्त होटेल रेस्टोरेंट बहस्थल आदि राति 9:30 सुधा बंद करने को पड़े तेज यह कटक 15 December पर्यटन बलवत्तर रहा। 15 December राज्य सरकार एने एक समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में जहाँ निष्पत्ति ता पुणी 16 तारीख ठार् लागू होोनार द्वितीय लहर चलुवे विभिन्न राज्य पुणी कठोर कटक लागू करने आरंभ करते गतका प्रधानमंत्री 8 राज्यर मुख्यमंत्री मानक सहित भर्चुआल बैठक करते टीका न आसवा जाए कोरोना को रोकवाक प्रतिकार ही एकम्र रास्ता वैज्ञानिक मैंने मतव्यक्त करते तेज कोरोनार द्वितीय लहर में दिल्ली महाराष्ट्र और केरल भरी राज्य अधिक प्रभावित होता देखा मिली। ते परवर्ती खबरटी हूँ दक्षिण को निभार भय घंटा को 11 किलोमीटर बेगर पश्चिम मुहा बात्या निभार। दक्षिण को बात्या निभार भय भीषण बात्यार रूप ने बंगोपसगर सृष्टि होता निभार यह घंटा को प्राय 11 किलोमीटर बेगर पश्चिम दिगरे गति करुछि। आज मध्यरात्रि यह तमिलनाडु और पुडुचेरी निकट में उपकूल छुईब बोली पानीपाग विभाग अनुमान करिछि। ओडिशारे कोहला पाग जारी रही जहाँ फल हालुका पवन बहिबा सहित थंडा अनुभूत होउछि। बात्या प्रभाव में वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जाउछि। निभार प्रभाव में तमिलनाडु पुडुचेरी कोराईकेल आंध्रप्रदेश दक्षिण उपकूल और रॉयल सीमा दक्षिण पूर्व तेलंगाना और कर्नाटक आसंता 2 दिन धरी प्रबल वर्षा होबार पूर्वानुमान करिछि पानीपाग विभाग। तेबे एथिजोगु ओडिशा को विपद नथिले मध्ये राज्य में वर्षा आरंभ होइजिबो किंतु पवन रो प्रभाव ओडिशा रहिबो नाही बोली आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहजाइछि। केन्द्र पक्षरु कहजाइछि जे 25 और 26 तारीख में मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति और गंजाम जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा होबो। ते परवर्त खबरटी हूँ सरकार बड़ घोषणा जौन कर्मी को मिले मागणा राशन सहित आर्थिक सहायता ऑनलाइन पाठ पढ़ापर पिला मिले साहय देश में एवं कोरोना महामारी जो लोक मैंने आर्थिक दुर्गति दे गति करुंट छोट छोट बेपारी दिन मजूरी और विभिन्न शिल्पर काम करुवा कर्मचारी अवस्था पूरा बेहाल हो पड़ी से सरकार तरफ महामारी आरंभ कि सहायता जोगा दी जाए कौन राज्य सरकार व केन्द्र सरकार जौन कर्मी मानी कि सहायता राशि घोषणा करना तेज देशर प्रथम राज्य भाव में महाराष्ट्र सरकार तांकर राज्य में रही जौनकर्मी मानी सहायता घोषणा करते महाराष्ट्र सरकार घोषणा मुताबक राज्य में रही 5600 जौनकर्मी मानू कोरोना महामारी चलता जाए सहायता प्रदान तेज जौनकर्मी मासिक मुंड पिछा 5 किलोग्राम राशन देवा सरकार घोषणा करता बेले मसक 5000 टंका प्रदान होता से पाने अनलाइन पाठ पढ़ापी मसिक 2500 टंका दिज्व देश में यह सहायता घोषणा कर प्रथम राज्य हूँ महाराष्ट्र। ते परवर्ती खबरटी हूँ आज ठारु पंचुक व्रत आरंभ खाँ खाँ श्रीमंदिर सेपटे धवलेश्वर से 144 धारा जारी श्रीक्षेत्र आज ठारु पंचुक व्रत कार्तिक मासक जाक श्रीजू राधा दामोदर बेशर दर्शन देता बेले शेष 5 दिन में 5 प्रकार बेशर दर्शन दे था श्रीजू कार्तिक मास व्रत पालन कले महापुण्य मिलता है बोली लोकंर विश्वास रही तेज से व्रतधारी बेस निष्ठार सहित यह पालन करती श्रीक्षेत्र में पुष्करणी और महोदधि स्नान कर उपवास रखि था कार्तिक व्रतर शेष 5 दिन में प्रथम दिन हरिशयन उत्थान एकादशी
ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାୟତଃ 4:00 ଦ୍ୱାରଫିଟା ପରେ ଅବକାଶ ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚୁକରେ 8 କଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଖାଁ ଖାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତାରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏପରିକି ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ହାତରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।